कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने उनका पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बन रही है, जहां जनता ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार को लाना है। देखिए खबर। सर यार अपना हो गया था, पड़ेगा सुनो सीधे वहाँ चले जाएंगे एयरपोर्ट। सर जानना चाहेंगे हरियाणा में चुनाव चल रहा है, विपक्षी दल हरियाणा में चुनाव चल रहा है, लोग अच्छे तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और पूरा मुझे विश्वास है कि तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। यह भी एक ऐतिहासिक होगा और फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के जब चुनाव आएंगे, अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला कोई बीच में नहीं आ गया विषय, उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। हरियाणा के विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वो तो हरदम कहते हैं, वो तो कह रहे थे 2024 में भी मोदी जी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन पीएम बने। 2014 में हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा जीते, सपा की सरकार रहते, 17 में विधानसभा जीते, फिर 19 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद जीते, 22 में समाजवादी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, फिर भी भाजपा की चार बार से सपा की हार हो रही, भाजपा की जीत हो रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर उन लोगों ने झूठ फैला करके वोटरों को गुमराह किया, कुछ लोकसभा की सीटें अतिरिक्त जरूर जीतने में सफल हो गए, लेकिन अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार धमाकेदार वापसी करेगी। देखिए अखिलेश यादव जी स्वयं अपराधियों के, माफियाओं के, दंगाइयों के संरक्षक हैं। किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा दर्द किनको होता है, तो श्री अखिलेश यादव जी को होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी से अपराधियों को निकाल दो, माफियाओं को निकाल दो, दंगाइयों को निकाल दो, बलात्कारियों को निकाल दो, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को जनता बहुत ध्यान से देखती है और उनको 27 में और उपचुनाव में इतना करारा सबक सिखाएगी, उनको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बर्बादी कर सकती है, विकास नहीं कर सकती, गुंडागर्दी बढ़ा सकती है, माफियागिरी बढ़ा सकती है, भ्रष्टाचार बढ़ा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों का भला नहीं कर सकती। कानपुर में जो बीजेपी के साथ है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और आयोजन महिलाओं के साथ लड़कियों साथ, कौन सा कानपुर में? कानपुर में आज की घटना है। अच्छा, मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन घटना देखिए कोई होती वो तो दुखद है, लेकिन उस घटना का कोई दोषी जैसे सपा की सरकार में बड़ा से बड़ा अपराधी उसके छिपने का स्थान मुख्यमंत्री आवास हो जाता था, लेकिन भाजपा की सरकार में अगर कोई अपराध करेगा तो पाताल के नीचे भी छिपा होगा तो उसको निकाल करके बाहर लाएंगे, कानून के हिसाब से उसे सजा दिलाएंगे।